नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। अतिथि शिक्षकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज की जांच कराने को लेकर, दोषियों पर कार्रवाई करवाने को लेकर अतिथि शिक्षकों ने पूरे मध्य प्रदेश में अपने अपने जिला तहसील स्तर पर ज्ञापन सौंपे हैं। अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ पदाधिकारियों के साथ सोमवार को अपनी जायज मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने बताया है कि गांधी जयंती के अवसर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, उसकी जाँच कर उचित कार्रवाई की जाए, ऐसा उनके द्वारा मांग की गई है। अतिथि शिक्षकों की जायज मांगों को जल्द पूरा किया जाए। साथ ही 2 सितंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत भोपाल में आयोजित की, उसमें अनेक घोषणाएं की। इन घोषणाओं के अनुसार गुरुजियों की भांति विभागीय वार्षिक परीक्षा, वार्षिक अनुबंध, सीधी भर्ती में 50% आरक्षण, लेकिन इन घोषणाओं के आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। साथ ही 2 अक्टूबर 2024 को प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक शांतिपूर्ण तरीके से वचन निभाने का आग्रह कर रहे थे, फिर भी पुलिस विभाग ने रात 8 बजे लाइट बंद करके बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर दर्जनों अतिथि शिक्षकों को घायल कर दिया। वहीं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रानू ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जब भी अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन तक अपनी मांग रखी जाती है, उन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज कर प्रदेश सरकार उनको दबाने का प्रयास करती है। वहीं ज्ञापन सौंपने में पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के अतिथि शिक्षकों के वरिष्ठ और जितने भी आम अतिथि शिक्षक हैं, वह पूरी लगन निष्ठा के साथ उपस्थित रहे। इस आंदोलन का संकेतिक जो आंदोलन था, इसमें अतिथि शिक्षकों ने एक दिवसीय शाला का बहिष्कार भी किया और सरकार को चेताया कि हम अपने साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करवा के रहेंगे और आपको करना पड़ेगा। Come on, come on, come on.